एस लियोन को हरा देता है, उसका सपना पूरा होता है और बहुत ज़्यादा खुश था। तब लियोन एस के पास आके बोलता है, एस कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने मुझे हरा दिया और तुम बन चुके हो वर्ल्ड चैम्पियन। और एस बहुत ज़्यादा खुश होता है और लियोन को बोलता है, थैंक यू लियोन, आपसे बैटल करके मुझे बहुत मज़ा आया। तभी जज एस को अपने स्टेज पे बुलाते और एस को वर्ल्ड चैम्पियन की ट्रॉफी देते और स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, एस एस एस। सब भी लोग एस को चेयर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एस खुश होता है। फिर एस पहले टाउन आ जाता है और एस पहले टाउन में पहुंच के एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको विश करने के लिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए, सारे के सारे उसके फ्रेंड्स राइवल सब भी लोग आए हुए थे। गैरी, पॉल, मिस्टी, ब्रॉक, मे, मैक्स, ट्रेसी, डॉन, सरीना, क्लेमेंट, बॉनी और अलोला गैंग भी आई हुई थी। और एस बहुत ज़्यादा खुश होता है और एस के सारे पोकेमोन, ग्रीन निंजा, पिजियोट और प्राइमेप भी वापस आ गए थे और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सभी लोग पार्टी मना रहे होते हैं। और जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, सब एस के फ्रेंड्स और सब लोग चले जाते हैं और एस बहुत ज़्यादा ही खुश था और उसकी मॉम को बोलता है, फाइनली मॉम, मेरा सपना पूरा हुआ, मैं पोकेमोन मास्टर बन गया। तब एस की मॉम बोलती है, क्या तुम पोकेमोन मास्टर बन गए? तो एस बोलता है कि मॉम, आप ऐसे शौक होके क्यों बोल रही हो? तब उसकी मॉम बोलती है, एस तुम पोकेमोन मास्टर नहीं बने हो। एस बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और बोलते हैं, क्या मॉम, मैंने वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हरा दिया, सबसे ताकतवर ट्रेनर को हरा दिया, फिर भी मैं पोकेमोन मास्टर नहीं बना हूँ? तब एस की मॉम बोलती है, एस तुमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ना कि पोकेमोन मास्टर को। अगर तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनना है तो तुम्हें पोकेमोन मास्टर को हराना पड़ेगा। तब एस बोलते हैं, कौन है आखिर ये पोकेमोन मास्टर? तब एस की मॉम बोलती है, तुम उनसे मिलोगे तब समझ जाओगे। तब एस बोलता है, एस मुझे पोकेमोन मास्टर के पास ले चलो, अभी मैं उनसे बैटल करके उनको हराना चाहता हूँ। तब एस की मॉम बोलती है, एस तुम थोड़ा आराम कर लो, तुमने अभी लियोन को हराया और तुम्हारी बेस्ट पोकेमोन टीम ले लो, फिर कल हम चलेंगे पोकेमोन मास्टर को हराने के लिए। फिर एस बोलता है, ठीक है मॉम, मैं अपनी बेस्ट टीम ले लेता हूँ। फिर एस अपने पोकेमोन सिलेक्ट करता है, उसका सबसे पहला पार्टनर पिकाचू, सेकंड ग्रीन निंजा, थर्ड चारिज़ार्ड, फोर्थ इन्फर्नी, फिफ्थ सेप्टायर और लास्ट मेगा लुकारियो। अपनी एस ने पूरी टीम बना ली थी और पोकेमोन मास्टर को हराने के लिए सवेरे निकल पड़े एस, उसकी मॉम और प्रोफेसर ओ। और वो लोग जंगल में पहुंच गए और जंगल में जैसे ही पहुंचे, सारे के सारे जंगली पोकेमोन एस की गाड़ी के ऊपर अटैक करने लगे और उनकी आंखों में अलग ही चमक थी, लाल आंखें हो गई थी पूरी की पूरी। और एस को लगता है कि किसी ना किसी ने इन पोकेमोन को अपने वश में कर लिया और भगाते वो लोग गाड़ी फुल स्पीड में। और बड़ी मुश्किल से एस और उनकी फैमिली बच जाती है उन पोकेमोन से, बहुत खतरनाक अटैक्स कर रहे थे एस के ऊपर। और जैसे आगे थोड़ा जाते हैं, उनको दिखती है टीम रॉकेट एक मशीन के साथ। तब एस को लगता है कि टीम रॉकेट की वजह से ये पोकेमोन काबू में से निहट गए हैं। और तब एस टीम रॉकेट के पास जाता है कि तुमने क्या किया उन पोकेमोन के साथ? तब जैसी बोलती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम अपने बॉस के मशीन का ध्यान रख रहे हैं, हमने आज कुछ भी नहीं बिगाड़ा और आज हम कुछ बिगाड़ भी नहीं वाले, तुम हमें परेशान मत करो। तब एस बोलता है कि तुमने ही जरूर कुछ किया होगा और उनका मशीन तोड़ देता है और टीम रॉकेट को उड़न छू कर देता है। और अभी भी पोकेमोन ठीक नहीं हुए थे और पोकेमोन ऐसे लोग पे अटैक करने आ रहे थे। तब वापस से वो लोग गाड़ी में बैठ के जंगल से बाहर निकल जाते हैं। आखिर वाइल्ड पोकेमोन्स क्यों एस और उनकी फैमिली पे अटैक कर रहे थे और उनकी आंखों में कौन सी अजीब सी चमक थी? और जेसी और जेम्स सच बोल रहे थे तो जियोवानी का क्या प्लान था? टीम रॉकेट के बॉस का आखिर क्या प्लान था? और कौन है पोकेमोन मास्टर? ये सब जानने मिलेगा तुम लोगों को इसके अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड। और अगर इसका सेकंड एपिसोड अगर तुम्हें देखना है तो फटाफट से 25 लाइक्स कंप्लीट करा दो। ओके, मैं मिलूंगा इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।